नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच में शानदार दोहरा शतक जड़ दिया है। यह उनके करियर का पहला दोहरा शतक है। उन्होंने केवल 126 गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 23 चौके और 9 छक्के लगाए। वह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गेल ने इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गुलबर्गा में हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और ऑब्जर्वर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। इसके बाद खड़गे ने गांधी परिवार से बात कर सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2024 के बाद बीजेपी पर पार्षदों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 10 पार्षदों के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है। देश की सबसे नई एयरलाइन अकासा एयर अपने नेटवर्क में तेजी से विस्तार कर रही है। शनिवार को एयरलाइन ने कर्नाटक के बैंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बीच नई उड़ानों का ऐलान किया है। विशाखापट्टनम कंपनी के कवरेज नेटवर्क में 10वां गंतव्य स्थान है। दूरसंचार विभाग DOT ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए ईमेल में 60 से अधिक अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में अब IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसको लेकर जानकारी साझा की है। जलवायु परिवर्तन से बाढ़, भीषण गर्मी, असमय बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं बढ़ी बल्कि इसने इंसानों के लिए और भी कई मुश्किलें बढ़ाई हैं। मेडिकल पत्रिका द लैसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलती जलवायु के चलते पूरी दुनिया में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। पंजाब के तरन तारण में हुए धमाके की जांच जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने इस घटना को लेकर कहा कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर पर गैंगस्टर को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुरानी पार्टियों के संरक्षण में बड़े बड़े काम करने वालों को भी पकड़ा गया है। काजल और विशाल जेठवा स्टारर सलाम वेंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में काजल सुजाता के रोल में नजर आ रही हैं, जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए लड़ती दिख रही हैं। कहानी काफी इमोशनल है और इसका रेवती ने निर्देशन किया है। फिल्म को ट्विटर पर अच्छे रिव्यू मिले हैं और जिसने भी मूवी देखी उसने इसकी तारीफ की है। बोइंग के प्रवक्ता ने इस खबर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि अधिक ईंधन कुशल विमानों को शामिल करने की योजना से एयरलाइन को अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 10 IED बमों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर सर्च अभियान जारी रखा है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य घटना में पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही कोबरा इंस्पेक्टर IED की चपेट में आने से घायल हो गया। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई तथा अन्य आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने शनिवार को कहा कि एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत शुक्रवार को कुछ अचल और 91 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। ब्राजील के स्टार नेमार ने संकेत दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल छोड़ सकते हैं। कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हार के बाद नेमार निराश हैं। उनकी टीम ब्राजील को क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में हराया। नेमार ने मैच के बाद कहा कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वह फिर से राष्ट्रीय टीम के लिए खेलेंगे या नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 67वीं मुख्य परीक्षा के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। अब कैंडिडेट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषयों के हर सेक्शन से पहला प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होगा। इसको लेकर आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रोहतास से औरंगाबाद जिले में जोड़ने के लिए सोन नदी पर लगभग 8 किलोमीटर लंबे 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। यह पुल रोहतास के तिलौथू प्रखंड से औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण के लिए निविदा जल्द ही जारी होगी। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चंदौली से शुरू होकर बिहार के गया जिला से झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड के बोकारो से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए हावड़ा तक जाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार नए नियमों के मसौदे के अनुसार छात्र 3 के बजाय 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर ही स्नातक की ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किए गए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के मसौदे को सोमवार को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। विराट कोहली ने 12 दिसंबर 2022 को चट्टोग्राम में अपना 44वां एक दिवसीय शतक लगाया। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में करीब 40 महीने बाद शतक लगाया है। इस शतक के साथ विराट कोहली ने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने में रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। विराट कोहली के अब 72 अंतर्राष्ट्रीय शतक हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अब सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2022-23 की शुरुआत 1 जनवरी से होगी। सीबीएसई ने गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूलों द्वारा फॉरवर्ड उम्मीदवारों की सूची में उनके सही सब्जेक्ट की जानकारी दी गई हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के बीच सोशल मीडिया पर अपने सदस्यों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को आगाह किया है कि वे अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फोन या सोशल मीडिया पर किसी को भी कोई निजी जानकारी ना दें। मोती झील को अतिक्रमण मुक्त करने और इसके सुंदरीकरण को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उससे उम्मीद बढ़ी है कि जल्द ही मोती झील का कायाकल्प हो सकेगा। मोतिहारी के हृदय स्थली में स्थित मोती झील जैसी प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कुमार अमित ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई थी। अब आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए भी लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में कहा है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं 31/3/2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1/4/2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। आखिरी तारीख नजदीक है, देर ना करें, आज ही लिंक करें। भारत मानवीय सहायता को प्रतिबंधों से छूट देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। भारत ने यह कहकर इस प्रस्ताव से दूरी बनाई है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित ब्लैकलिस्ट किए गए आतंकवादी समूह इस तरह की मानवीय छूट का फायदा उठा सकते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को ये सूचित करने के लिए एक प्रक्रिया पर काम कर रहा है कि क्या उनके ट्वीट को शैडो बैनिंग नामक प्रक्रिया के तहत दबा दिया गया है और वे प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तकरीबन 1.25 साल पहले अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के बाद अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने वाले तालिबान ने इसे आतंकवादियों का शरण स्थली नहीं बनने देने और भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता रखने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उसने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तटस्थ रहने की भी वकालत की थी। गांधीनगर में भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। भाजपा विधायक हर्ष संघवी ने बैठक के बाद जानकारी दी है कि भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फर्नांडिस के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने उन पर निशाना साधा है। मेंडोस चक्रवात तूफान ने 9 और 10 दिसंबर की मध्यरात्रि को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट को पार किया है। इससे अब तक तमिलनाडु में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। किसानों ने शनिवार को टिकरी बॉर्डर से बड़ा ऐलान भी किया है। MSP लागू करने और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान अब चंडीगढ़ कूच करेंगे। किसानों ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ कूच करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जो देश भर में हवाई अड्डों के विकास पर सरकार के ध्यान से पता चलता है। इसके अनुरूप पीएम मोदी 11 दिसंबर को गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री की ओर से इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई थी। कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित पार्षद पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, फिर चंद घंटों बाद ही शुक्रवार को देर रात वापस कांग्रेस में चले गए। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने भी कांग्रेस पार्षदों को आप में शामिल होने के बारे में जानकारी दी थी।
ईरान ने हाल ही में भारत से चाय और चावल का आयात बंद करने का फैसला किया है। भारत की ओर से ईरान से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। माना जा रहा है कि ईरान ने एक कदम बदला लेने की नियत से उठाया। दरअसल भारत ने हाल ही में ईरान से आने वाले कुछ फलों पर रोक लगाई थी। अब ईरान ने भारतीय बासमती चावल और भारतीय चाय के आयात को रोक दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं विजय राय, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, रविशंकर, मोहम्मद नौशाद रजा, भान प्रकाश मौर्य और के सिन्हा, पीयूष पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कांग्रेस के पार्षद आम आदमी पार्टी में पहले शामिल हुए फिर वापस से कांग्रेस में चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।